अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाजिया किचन। आज आपको हम आप फ्रूट ड्राई फ्रूट केक बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने एक बाउल करीबन 150 ग्राम मक्खन लिया, और इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है। अब हमारी चीनी और बटर बिल्कुल यकजान हो गए। अब हमने इसमें 4 अंडे जो सफेदी की समेत हमें एक एक करके डालना है और उसको ब्लेंड करते हैं। डेढ़ कप मैदा डालना, तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मीठा सोडा ये डालना है। मिक्सचर तैयार हो जाए, बिल्कुल यकजान हो जाए, तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट, आप जैसे मैं इसमें ये अखरोट मैंने काट के रखे हैं वो डाल दिए, बादाम डाल दिए, और कुछ मैंने गार्निश के लिए अलहदा रख लिया। लास्ट में हमने 1 चम्मच एसेंस का डाल देना, मैंने वनीला एसेंस इसके अंदर स्प्रिंकल किया। अब मिक्स कर लेते हैं। ये केक का सांचा लिया और सबसे पहले हमने इसको ऑयलिंग करनी है। अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेते हैं। ये बटर पेपर लगाया और बटर पेपर के ऊपर अच्छी तरह मैंने देसी घी यूज़ किया है। आप कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी पसंद पे है। बटर पेपर के ऊपर ऑयलिंग करने के बाद जितना भी मिक्सचर है सारा हमने इस पैन में मैंने 5 मिनट तक कढ़ाई को हल्की आंच पे रखा और वो काफ़ी गर्म हो गया। उसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया, स्टैंड काफ़ी गर्म हो गया। बड़े एहतियात के साथ आपने ये जो केक है उसके सांचे को हमने इसके ऊपर रख दिया और 60 मिनट तक हमने इसे हल्की आंच पे पकने देना। केक के ऊपर जब केक हमारा तैयार हो जाएगा तो सिरप मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने 7 चम्मच पानी लिया है और 3 चम्मच मैंने एप्पल जैम यूज़ किया है। आप कोई सा भी, स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एप्पल था, मैंने एप्पल का यूज़ किया है।
केक को बेक करते हुए बेकिंग पे जो है ना 1 घंटा हो गया लगभग, तो हमारा केक तकरीबन तैयार हो गया। हमने आंच बंद कर दी है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है कि नहीं। इसके लिए आप कोई पिन जो है छुरी ले लें, कोई भी चम्मच ले लें और देखें बिल्कुल खुश्क है, इसका मतलब है कि हमारा केक तैयार हो गया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे बड़ी एहतियात के साथ क्योंकि बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक को इसमें उल्टा लेते हैं। ये देखिए जी हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी सॉफ्ट सॉफ्ट सा, कितनी अच्छी लुक आई है। अब हम इसकी थोड़ी गार्निशिंग कर लेंगे, ऊपर जो मैंने सिरप तैयार किया था उससे इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। केक को काट कर देखते हैं कि कितना सॉफ्ट यमी यमी सा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छी तरह हर तरह से पक गया हुआ है और इतना सॉफ्ट है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्रेश केक। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारा केक तैयार हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ आप फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करके प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।